महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। अदालत ने उन्हें घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल की अनुमति दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को राहत प्रदान की, जहां कोर्ट ने निर्देश दिया कि अजीत गुट आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह का उपयोग कर सकता है। हालांकि चुनावी बैनर और पोस्टर पर यह उल्लेख करना होगा कि यह विवादित विषय है और अदालत में विचाराधीन है। यह आदेश शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया था कि अजीत पवार गुट अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। कोर्ट ने अजीत पवार के वकील को नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का उल्लंघन हुआ तो अवमानना का केस दर्ज होगा। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि निर्देशों का पालन करना आवश्यक है और उल्लंघन नहीं होना चाहिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच।